नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग पर अगर हम बात करें तो दोस्तों वापस आज मार्केट में बड़ा रिवर्सल देखने को नज़र आया है। फिलहाल दोस्तों ग्रीन सिग्नल जो है वापस देखने को नज़र आ रहा है, तो अब कमेंट से देखने को मिल रहा है कि अभी के टाइम जो रैली नज़र आ रही है टेम्परेरी होने वाली है परमानेंटली, वो भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न किस प्रकार का नजर आ रहा है और क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आने वाला है जस्ट आगे चलकर, तो उसके आउटलुक्स और टारगेट्स किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी जानने वाले हैं। तो जानकारी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले प्राइस पर नजर डालें तो 22.40 रुपये पर आज की क्लोजिंग नजर आने वाली है। रिटर्न्स काफी अच्छी इंक्रीज हुई है कि जो लगातार पिछले टाइम से आंकड़े वीक नजर आ रहे थे, पर 22.55 रुपये तक आज के मार्केट पर रैली देखने को नजर आई और 21.30 रुपये तक आज के मार्केट में गिरावट रूप आउट भी देखने को नजर आई थी। पर इस विपरीत दोस्तों लास्ट सिंगल 5 सेशन पर अगर हम बात करें तो दोस्तों लास्ट सिंगल 5 सेशन में जो रिवर्सल है वो एक्चुअल में पॉजिटिव देखने को नजर आया है, क्योंकि दोस्तों जो प्राइस 20.70 रुपये से गिरकर हम लोगों को नजर आई थी वो 19.10 रुपये तक, उसमें वापस रिवर्सल देखने को नजर आया, धीरे धीरे रिकवरी नजर आई और आज 22.40 रुपये पर वापस रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूं कि फिलहाल हमें अभी के टाइम दोस्तों मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट बनाना है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में दोस्तों ऑलरेडी बायर्स और सेलर्स तो काफी अच्छे हैं। मार्केट में आज भी काफी अच्छा बाइंग ऑर्डर देखने को नजर आया, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि फिलहाल लगातार हम अगर मिड टर्म पे अगर होल्डिंग बनाएंगे तो दोस्तों आईटी सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन 2024 के जल्दी देखने को अप्रैल के अंदर नजर आने वाले हैं। तो आईटी सेक्टर में अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट अगर होती है तो दोस्तों अभी के टाइम सालासर टेक्नोलॉजी अभी के टाइम काफी अच्छा को पॉजिटिव शेयर यहाँ पे होने वाला है, जो आगे के जो रिटर्न है वो पॉजिटिव दिखा सकता है। क्योंकि ऑल ओवर अगर डेटा अगर इस कंपनी का अगर हम देखते हैं तो वो हम लोगों को दोस्तों नज़र आएगा लगभग 800% का रिटर्न मैक्सिमम टाइम में नज़र आएगा। सिंगल 5 सेशन पर अगर बात की जाए तो 950% का रिटर्न नज़र आएगा। लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग 162% की रिटर्न नज़र आने वाली है। 6 महीने पर अगर हम बात करें तो 6 महीने पर दोस्तों लगभग 114.56% की बड़ी रैली नज़र आने वाली है। जो मार्केट में दोस्तों जंप पिछले 1 ईयर में देखने को नजर आया तो वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आया, क्योंकि दोस्तों लास्ट 6 महीने में भी प्रोजेक्ट तो नजर आई, पर जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को नजर आया वो काफी सॉलिड और हाई देखने को नजर आया है। तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी दोस्तों आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली और टेक्निकली बेस को क्रिएट करने वाली कंपनी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आगे चलकर अगर हम इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को हर एनालिसिस के अंदर बताता हूं कि हम लोग को उस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वर्तमान में दोस्तों 2 रुपए का लॉस हो जाए उस चीज़ को एक्सेप्ट हम लोगों को करना चाहिए, पर आगे का जो फ्यूचर हो वो ब्राइट होना चाहिए। प्लस दोस्तों उस 2 रुपए के लॉस के विपरीत हम लोगों को मिनिमम दोस्तों 20 रुपए से लेकर कम से कम दोस्तों 50 रुपए का प्रॉफिट होना अनिवार्य है, और ये वही कंपनी देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों लो पिछले 1 ईयर की लो प्राइस पर नजर डाले तो दोस्तों 7.25 रुपये नजर आएगी, पर टॉप प्राइस की अगर हम बात करें पिछले 1 ईयर के अनुसार तो वो हम लोगों को 34 रुपये नजर आएगी, जो मैक्सिमम टाइम के ऑल ओवर जो डेटा उसको अच्छा खासा प्रदर्शित करता हुआ नजर आया इस कंपनी का आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दोस्तों अभी भी बाय करने का मौका है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी ने पिछले टाइम EMC लिमिटेड को भी खरीदा है, तो कंपनी ने 178 करोड़ में दोस्तों कंपनी को खरीदा था, और अभी के टाइम कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3520 करोड़ का देखने को नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे पास एक गोल्डन चांस देखने को नजर आ रहा है। जो पिछले टाइम गिरावट हुई थी वो गिरावट नहीं, हमारे पास लो प्राइस पे बाय करने का मौका कंपनी ने दिया था। तो अभी के टाइम पैनिक होकर दोस्तों सेल ना करें, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम इस स्टॉक की जो उड़ान है वो आगे देखने को पॉजिटिव मिलने वाली है। रही बात दोस्तों क्वार्टर फोर की, तो क्वार्टर फोर तक इस स्टॉक का जो प्रदर्शन है वो लगभग दोस्तों 40 रुपये प्लस देखने को नजर आएगा। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों फिलहाल कंपनी के चार्ट पैटर्न की अगर हम खासकर बात करें तो दोस्तों मार्केट में पिछले टाइम ओवरबॉट देखने को नजर आया था, RSI इंडिकेटर पर काफ़ी अच्छी काउंटर पर जो रैली थी वो भी नजर आई थी, पर मार्केट दोस्तों पिछले टाइम जो है जस्ट टाइम जो है यहाँ पे 15 मार्च के पहले दोस्तों जो यहाँ पे जो ओवरसोल्ड देखने को नजर आया था, लगभग ओवरसोल्ड को ऑलरेडी क्रॉस कर ही चुका था, क्योंकि अंकों की अगर हम बात करें तो दोस्तों अंक जो देखने को नजर आए थे वो 32.94 अंक देखने को नजर आए थे। फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने
को मिलने वाला है, क्योंकि लगातार अगर कंपनी में अगर देखा जाए तो डिविडेंड कंपनी ने ऑलरेडी पे आउट किया था, और अभी भी दोस्तों लास्ट टाइम जो कि यहाँ पे फरवरी में दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया था। तो अभी के लिए दोस्तों आगे चलकर कंपनी का दोस्तों जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव नज़र आएगा। टेक्निकली अगर बात की जाए या फंडामेंटली अगर हम बात करें दोनों सेगमेंट पर अभी के टाइम काफ़ी पॉजिटिव आंकड़ा देखने को नज़र आ रहा है। तो अभी के टाइम बाय करने का मौका गोल्डन चांस यही मिलने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।